कोलकाता मदानी हत्या हुई है। संजीत सनिया ने सर की गंदगी के लिए अकांक्षा की गरीबी को जिम्मेदार ठहराया है। सनियाल जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य है ने कहा कि वह 1980 में कोलकाता में बड़े हुए और समाजवाद और समाजवादा के प्रति उनकी गहरी नापसंदगी आंशिक रूप से यह देखने के अनुभव से आई है कि कैसे वासु ने कोलकाता और पश्चिम बंगाल को नष्ट कर दिया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सनियाल ने 22 मार्च को प्रसारित एक पॉडकास्ट में कहा, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु और कम्युनिस्ट ने न केवल कोलकाता और बंगाल की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया बल्कि पूरे बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया। अर्थशास्त्री ने कहा कि कोलकाता उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया, लेकिन उन्होंने शहर के पतन के लिए लोगों के बीच आकांक्षा की गरीबी को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी सरकार ने 2011 में TNC की ममता बनर्जी द्वारा हटाए जाने तक 3 दशकों से अधिक समय तक बंगाल पर शासन किया। वर्मा शासन के तौर पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुक गया जिसके आर्थिक विकास रुक गया। यह पूछे जाने पर कि लोगों ने अभी भी समाजवादी सरकार को क्यों चुना, सनिया ने कहा कि लोग सभी प्रकार के कारणों से सभी प्रकार के लोगों को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी कदाचार ने एक भूमिका निभाई है, उनकी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आकांक्षा की गरीबी थी। पहली बार जब वह निर्वाचित हुए तो उन्होंने पहले ही मरी चपाती नरसंहार को अजम्मा दे दिया था। उन्होंने पहले से ही कारोबार बंद करना शुरू कर दिया था। वह पहले से ही बिजली आपूर्ति का प्रबंधन कर रहे थे। मुझे याद है कि मैं अपना होमवर्क अनिवार्य रूप से लल्लेन टेप में करते हुए बड़ा हुआ हूँ और मोमबत्ती की रोशनी इसलिए नहीं कि मैं एक गरीब हूँ परिवार से आया था, मैं एक ठोस मध्यवर्गीय परिवार से आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बिजली नहीं थी और यह उन दिनों से पहले की बात है जब जनरेटर आमतौर पर उपलब्ध होते थे। सवाल यह है कि उनके प्रशंसक ने कमी के बावजूद उन्हें वापस क्यों लेते रहे हैं। इसका कुछ हिस्सा निश्चित रूप से चुनावी कदाचार था, बुद्ध के कैप्चर को एक कला के रूप में बदल दिया गया था, लेकिन मैं तर्क दूंगा कि इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण यह था आकांक्षा की गरीबी। यदि आपके समाज की आकांक्षा है कि जीवन का सर्वोच्च रूप का एक संघ नेता या बड़ा बुद्धिजीवी है, या आपकी आकांक्षा है कि आप कुछ भी करने के बजाय धूम्रपान और अपने पुराने सन्यासी का घूट पीकर बैठे हैं और बाकी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं, यह समाज की आकांक्षा है। और मुना सेन की फिल्में आपके समाज की आकांक्षा है तो शिकायत ना करें कि आपको वही मिलता है, उन्होंने कहा।